देवरिया हत्याकांड में देवेश कुमार ने आरोपियों के इनकाउंटर की मांग की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। देवरिया में हुए इस सामूहिक हत्याकांड को लेकर एक ओर जहां राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, वहीं मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल हत्याकांड के 6 दिन बाद कल मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश कुमार दुबे अपने गांव पहुंचा है। जानकारी के अनुसार देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल सामूहिक हत्याकांड के 6 दिन बाद कल मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश कुमार दुबे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अपने गांव पहुंचा। इस घटना में देवेश कुमार दुबे के माता पिता, 2 बहन और 1 भाई समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बताया जा रहा है कि गांव में अपने घर पहुंचकर देवेश कुमार दुबे ने वीरान पड़े अपने घर में सभी उपलब्ध सामान को खंगाला और अपने माता पिता, भाई और बहन के पड़े कापी किताब, कपड़े समेत अन्य दस्तावेज देखकर फपक फपक कर रो पड़ा। इस दौरान बीजेपी के नेता शशांक कुमार त्रिपाठी ने पीड़ित देवेश कुमार दुबे को 1,00,000 रुपए नगद सहायता धनराशि दी और शशांक कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मेरी पार्टी और पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। वहीं इस दौरान पीड़ित देवेश कुमार दुबे ने कहा कि उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना में जो भी दोषी हैं उनका इनकाउंटर किया जाए और घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्ती से काम लिया है और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं, क्यों? इसलिए जब मेरे माँ बाप थे तब उन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। अब वो तो बकरी इस तरह काट कर सुला दिए गए तो अब कार्रवाई करके क्या होगा? आखिर मेरे में कमियां क्या है कि मतलब उनके आबादी जमीन पे उनके जो मकान हैं ढह क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ तक कि 6-6 बुलडोजर खड़े हैं, आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं? यहाँ तक कि मेरे भी जो सरकारी जमीन में मकान है उसको भी ढहवाया जाए और उसको भी ढहवाया जाए। यही अपने बाड़ी को विराम देता हूँ और मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।